शादी को आपके कितने साल हो गए? कितने? 51 years. माशाल्लाह, 51 years. माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. तो इस शादी में लव मैरिज थी, मैं पूछ लूं? चॉइस की मैरिज थी. चॉइस पसंद की मैरिज. पसंद की, दोनों तरफ से पसंद की मैरिज. हाँ. और ये नहीं, नहीं, मैंने तो कहा किस्मत खुल गई. नहीं, ये तो एतजाज साहब ने भी कहा होगा. नहीं देखो जी, मेरे माँ बाप ने सिलेक्शन करनी थी बड़ी ट्रेडिशनल सी. हाँ ठीक है ना, तो इनको तो आज़ादी है ही थी, मुझे तो कोई आज़ादी नहीं थी कि भी मैंने कोई बताना था. तो इन्होंने अपनी आज़ादी का एक्सरसाइज कर लिया और मुझे फ़ायदा हो गया. कैसे मिले, कैसे आप लोग, कुछ याद है आपको कि ये स्टार्ट हादसा ही होता है? आई मीन मोहब्बत हादसा होती है. नहीं एक्चुअली जिसे हम मोहब्बत कहते हैं ना, वो एक अट्रैक्शन होती है एंड देन इट लीड्स टू समथिंग. तो ये कहना कि जी उसको देखा, मैंने देखा, मोहब्बत हो गई, ऐसे नहीं होता. अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू, वेरी राइट, बिटवीन लव मैरिज और वो शादी कि जिसमें यू वांट टू सेटल डाउन विद दैट पर्सन. नहीं, सेटल डाउन नहीं थी, बिकॉज आई वाज जस्ट फिनिशिंग माय मास्टर्स, ही वाज ऑलरेडी इन द वर्कफोर्स. सो चॉइस, चॉइस बाय चॉइस आपने कहा कि एतजाज साहब. हाँ, मतलब है कि एबीसी मेरे माँ बाप ने लाना था ना. हाँ. तो हियर वाज अ पर्सन आई लाइक. तो आपने, आपकी तरफ से जब ये पसंद की शादी हुई तो आपने उस वक्त तो बड़ा बहुत ज़्यादा मुआशरा नहीं था सप्रेस्ड किस्म का कि कैसे बात करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बल्कि बहुत, इट वाज अ वेरी पॉजिटिव मुआशरा था. पॉजिटिव देन दिस वन. हम दोनों मतलब प्रोग्राम्स टुगेदर ऑन टेलीविजन. मैं एक पर करता था प्रोग्राम, एक टेलीविजन टीवी के लिए लाइव होता था, आदाब खुदागाही, उसमें स्टूडेंट्स को बुला के और मैंने उनसे गुफ्तगू कर ली. आई वाज अ यंग लॉयर. अखबारों वाला था वो, अलहदा था ना. अच्छा, अच्छा. वो तो अकेला ही था अखबार. हाँ, अकेला था. नुक्ता नजर, नुक्ता नजर पीटीवी के ओरिजिनल टैलेंट्स में से हूँ मैं. तो वो मैं इसको बुला लेता था. अब इसकी बहनों को किसी को पता नहीं लगता होता था. वो ये अपनी सहेलियों के साथ, एक दो इसकी फ्रेंड साथ बुला ली कि आओ प्रोग्राम में आओ, और प्रोग्राम में आदाब खुदागाही में, पर वो लाइव होता था. अच्छा. वो सारा लाइव चल रहा होता था. उधर आप कोई चूक दे, कोई बात कर दे, पहले समझाना पड़ता था भाई ये लाइव जा रहा है, जो ऐसा कुछ था कर देना, वो पराई हुई. हाँ. रिकॉर्ड तो हो जाएगी, पर वो एक दफा पराई निकल गई तो निकल गई. हाँ. आई वॉज एट द इंग्लिश डिपार्टमेंट, उनके बड़े प्रोग्राम टेलीविजन पे आते थे, रेडियो पे आते थे. सो माहौल बहुत फर्क था. बहुत फर्क था. मैं आपको एक चीज बताऊं, वाज वेरी ओपन एंड डिफरेंट. ये जो है ना कि लड़की अगर घर से निकल गई है और उसने, वो एक लड़का जा रहा था गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे, उससे बात कर ली है, तो अब ये मामला उस मोहल्ले के, जिस एक लड़के ने देखा है तो बाकी सब लड़कों पे, सबको बताना है को, नहीं, और सबकी जिम्मेदारी है कि उस लड़की को राह पे रखे, सही दी राह पे. ये जो हम में आ गई है ना विजिलेंटलिज्म, कि आपने जो करना है वो मेरे पे फर्ज है कि मैं आपको इस्लाम के रास्ते पे रखूं. अब हम मुसलमानों को मुसलमान करते आ रहे हैं. ईसाई और हिंदू और ये तो हमारे से कन्वर्ट नहीं होते. वो हमारा कुछ 40 साल तो गुजर गए, राह रास्त पे ला रहे हैं हम मुसलमानों को मुसलमान बना रहे हैं. एग्जैक्टली. बड़ी अच्छी बात की है दादा साहब. बच्चे, पहले तो मैं ये पूछ लूँ कितने हैं और कितने बेटियां हैं, कितने बेटे हैं? दो बेटियां एक बेटा. दो बेटियां ज्यादा तंग करती हैं, बेटे ज्यादा तंग करते हैं? ये सवाल मैं दिल से पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक ही बेटा है और वो बहुत तंग करता है मेरी अम्मा को, मुझे ऐसा लगता है. चूंकि बेटी बड़ी थी और बेटा बाद में आया, तो तीनों बच्चों ने, शायद छोटी ने इसलिए तंग किया क्योंकि उसको तवज्जो बहुत ज्यादा मिल गई, मगर they've been children who have done nothing wrong. अच्छा. ना बड़े होते हुए, सिवाय इसके कि मुझे बैठ के पढ़ाना पड़ता था, फोकस कराना पड़ता था, अदर देन दैट ना वो माशरे की खराबियों में थे. कभी वो नहीं गए पार्टीज, वो जब उन्होंने आंख खोली है, पढ़ाई की है, पढ़ने के बाद फैमिली में बहुत इंटरेक्शन होता था, और उसके बाद ए लेवल्स के बाद पढ़ने के लिए बाहर चले गए, बाहर से वापस आए, तो बड़े, वो भी मियाना रवि की बात मैं कह रही हूँ.
कि दे आर बहुत तमीज़दार, वेरी बैलेंस्ड, वेरी बैलेंस्ड। आपके साथ ज्यादा अटैचमेंट है बच्चों की या एतज़ाज़ साहब के साथ, क्योंकि बेटियों की तो होती है अब आपके साथ? आई थिंक तीनों की मेरे से ज्यादा है। ज्यादा है। और आपने कभी डांटा है बच्चों को, कभी कभी गुस्सा किया हो? आप कोई स्ट्रिक्ट फादर तो नहीं थे? नहीं, नहीं, याद नहीं पड़ता कभी ना, कभी भी ना। वेरी काम एंड इजी फादर। नहीं, मैंने जरूर डांटा होगा। वेरी एब्सेंट फादर। वेरी एब्सेंट फादर, हाँ जाहिर है। जो मौजूद ना, आपकी वर्क ऐसा है, नेचर ऑफ वर्क ऐसा है। लीगल प्रोफेशन भी, कानून की भी जो पेशा है, फिर सियासत, फिर ट्रैवल, ट्रैवल भी प्रोफेशन के लिए या पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं ज़्यादातर बाहर रहा हूँ या जेलों में रहा हूँ, तो यही। अच्छा, एक चीज़ जो मैं, टेक द सोल क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि बच्चे जो है ना, दे आर अ सम टोटल ऑफ द एनवायरनमेंट दैट दे आर बीइंग ब्रॉट अप विद। ठीक है, वी वर वेरी लकी, द एनवायरनमेंट दैट दे वर गिवन, एतज़ाज़ की अपनी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली बहुत मैच्योर, बहुत नेक, बहुत अपराइट वैल्यूज के साथ वो बड़े हुए। इसके भी इसी तरह बड़ी छह बहनें थी, एक भाई था, बट बड़ी इनकी लिबरल सी सोच थी, इन द सेंस के अब मेरा जब रिश्ता आ गया मेरी तरफ से, मैंने अपनी बहनों को बताया कि इन अ गर्ल जो वहाँ रहती है और वहाँ जाना है आपने, तो वो गए। इनके माँ बाप ने भी कोई मतलब है अचंभे का नहीं सोचा, कोई नियत किसी की पे शक नहीं करते थे। और मेरी वालदा का, मेरे वालिद और वालदा में एक अपोजिट थे एक लिहाज से। अच्छा, कि मेरे वालिद पांच वक्त के नमाजी थे, बट ही वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव लिबरल मुस्लिम। इकबाल वॉज इज मुर्शद, अल्लामा इकबाल, और उनका कलाम पढ़ते पढ़ते रो भी पढ़ते थे। पांच वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ते थे, पर अगर आप मेज पे खाना खा रहे हैं तो वालिद साहब ने पता लगना, देखना, बातें करते करते कि वो उठ गए हैं, वो जाके अपनी नमाज पढ़ के वापस आके बैठ जाते थे। वालदा मेरी कोई नमाज नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ती नहीं, और मुसलमान नहीं, बहुत ही वो नहीं पढ़ती थी, पर इतनी कंपैशनेट और इतनी नेक खातून, उन्होंने मुझे जो, हमें जो वैल्यूज दी हैं, इकदार और तरबियत जो दी है, हम करते हैं कि तालीम दिलवा दी बच्चों को, तालीम हार्वर्ड की भी दिलवा दी। मेरे दो बच्चे अब हार्वर्ड से हैं और तीसरी बेटी मगिल और कैनेडा, सुवैद लंदन से किया बस, उनको तालीम, हाईएस्ट तालीम दिला हमने, लेकिन आप वैल्यूज, लेकिन तरबियत नहीं देते। वो सर्जन या बैरिस्ट्री करके आएगा, यहाँ आके चाकू चलाने शुरू कर देगा, वो तरबियत नहीं है।